मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि पर्सनली मैं गूगल क्रोम के अंदर कौन सी एक्सटेंशंस यूज़ करता हूँ, कौन से प्लगइन्स यूज़ करता हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। काफ़ी टॉपिक्स थे मेरे पास कवर करने के लिए, तो इसलिए मैं उस समय नहीं कर पाया। पर आज मैं आपको ऐसे 7 बेस्ट गूगल क्रोम की एक्सटेंशंस बताऊंगा जो SEO से रिलेटेड है और अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वर्डप्रेस में काफी सारे प्लगइन्स आते हैं पर ब्लॉगर के अंदर ऐसा कोई प्लगइन नहीं आता जिससे आपको SEO में हेल्प मिले। ऐसा भी हो सकता है कि गूगल क्रोम के कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा, शायद आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो, पर जिनको नहीं पता उनको आज ये वीडियो देख के काफी बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं जो पर्सनली 7 गूगल क्रोम की एक्सटेंशन यूज करता हूँ उसमें सबसे पहली है TubeBuddy। ये सारी एक्सटेंशंस कहाँ से मिलेगी ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। TubeBuddy के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊं तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, पर मैं पर्सनली इसको किस लिए यूज़ करता हूँ मैं सिर्फ आपको वो छोटी सी टिप दूंगा। ये वैसे ब्लॉगर से रिलेटेड नहीं है, अगर आपका YouTube का चैनल है, क्योंकि जब आप वीडियो डालते हैं YouTube में उसके बाद आप टैग्स लगाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि उन टैग्स की पोजीशन क्या है। बेसिकली मैं TubeBuddy को सिर्फ इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मुझे मेरी टैग की पोजीशन पता लग जाती है। मैक्सिमम मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं जितने भी टैग डालूं उसको कोई ना कोई पोजीशन जरूर मिले। पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, इससे मुझे ये आइडिया मिल जाता है, अगर ये टैग कोई भी YouTube में डालेगा तो मेरा वीडियो फर्स्ट पोजीशन में आएगा। तो मोस्टली जितने भी मैं टैग्स डालता हूँ उनकी पोजीशन मैं जरूर सेट करता हूँ। अब चलते हैं हम अपने गूगल क्रोम की सेकेंड एक्सटेंशन की तरफ जिसका नाम है Grammarly। अगर आप ब्लॉगर है, ब्लॉग लिखते हैं तो मोस्टली आपसे स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक होती है। आप देखेंगे मैंने एक ये लाइन लिखी है, इसमें जानबूझ के मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है और यहाँ सबसे नीचे आप देखेंगे 4 लिखा रहा है। इट मींस यहाँ पे 4 मिस्टेक्स यहाँ पे शो कर रही है और जो भी मिस्टेक है उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है। आप देखेंगे मैरी क्रिसमस के स्पेलिंग गलत है। अब जैसे ही मैं अपने पॉइंटर को इसके ऊपर ले जाऊंगा तो ये नीचे मुझे करेक्ट स्पेलिंग बताएगा और इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। सेम ऐसे ही मैसेजेस के ऊपर भी आप देखेंगे यहाँ पे मिस्टेक शो कर रही है और इसके बाद मैंने इस पे क्लिक कर दिया। विशेष के ऊपर भी मैं सेम यही करूंगा। अब फ्रेंड्स यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी मैंने, यहाँ जानबूझ के ग्रामर मिस्टेक करी है। तो यहाँ पे जो इज है इसका मतलब यहाँ पे कोई ग्रामर की मिस्टेक है। जैसे ही मैं पॉइंटर को लेके आ गया इसने मुझे वो क्लियर करके बता दिया। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे गेन लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर पॉइंटर ले गया और यहाँ पे अगेन कर दिया। तो इस तरह से आपकी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को ये Grammarly बहुत बहुत ही आसानी से फाइंड करके उसे करेक्ट कर देता है। अब चलते हैं हम अपने गूगल क्रोम की थर्ड प्लगइन की तरफ जिसका नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर। इसके बारे में फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और काफी डिटेल्स में बताया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जब भी आप गूगल के अंदर कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो सबसे नीचे आप ये देखेंगे उसका वॉल्यूम बता देता है, CPC और उसका कॉम्पिटिशन। ये सारी डिटेल्स तो आपको बताता ही है, प्लस इससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपको दे देता है और उन रिलेटेड कीवर्ड्स में कितना वॉल्यूम है, CPC है, कितना कंपटीशन है, ये सारी डिटेल्स आपको ये कीवर्ड्स एवरीवेयर बताता है। अगर आप कीवर्ड्स एवरीवेयर की इंस्टॉलेशन के बारे में जानना चाहते हो उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। 3 मिनट 7 सेकंड या 3 मिनट 6 सेकंड से जब आप वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स यहां से उसका पूरा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ गूगल क्रोम एक्सटेंशन की तरफ जिसका नाम है SEO Quack। आपने जो भी वेबसाइट ओपन करी है या फिर गूगल के अंदर आप सर्च कर रहे हैं, आप देख रहे हैं नीचे एक ये बार आ चुका है, इसके अंदर मुझे सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस वेबसाइट की कि इसकी रैंक कितनी है, एज कितनी है, बिंग में क्या रैंक है, इसके LDL सारी डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएगी। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। प्लस अगर आपने किसी की वेबसाइट भी ओपन कर दी है और उसके बाद आप इस प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसकी एलेक्सा में कितनी रैंक है, गूगल, बिंग, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करने लग जाएंगी। यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन आप देखेंगे पेज, डोमेन, बैकलिंक्स, आप अपने कॉम्पिटिटर की कुछ हद तक स्ट्रेटेजी यहाँ से देख सकते हैं वो किस तरह से गूगल के अंदर रैंक कर रहे हैं। सेम इसी से मैच करते हुए हमारी फिफ्थ एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की जिसका नाम है सिमिलर वेब। इसमें भी फ्रेंड्स आप देखेंगे मैंने bbcamerica.com को ओपन करा है और उसकी ये सारी डिटेल्स बता देगा लास्ट मंथ की, उसकी वेबसाइट में कितनी विजिट हुई है, टाइम ऑन साइट कितनी देर तक उसकी वेबसाइट में विजिट करी गई है, ये एक एवरेज टाइम बताता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इसका बाउंस रेट दिख जाएगा, ग्लोबल रैंक दिख जाएगी, यूनाइटेड स्टेट में इसकी क्या रैंक है, आप इसके सोर्सेज देख सकते हैं, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी। मैं ठीक ऐसे ही करता हूँ, मैंने जो ब्लॉग लिखना होता है या फिर मेरे को कोई वेबसाइट बनानी होती है तो सबसे पहले मैं गूगल में जाके कॉम्पिटिटर को सर्च करता हूँ, जो फर्स्ट 3 कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर ऐसा क्या करा है जिससे वो top 3 में आ गए। जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स होते हैं मैं उनके साथ कॉम्पिटिशन नहीं करता क्योंकि एक तरह से टाइम वेस्ट करना है
उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसमें काफी टाइम चाहिए, पर जो छोटे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं उन्होंने कौन कौन से ऐसे सोर्सेज लगाए हैं या उनके पास ट्रैफिक कहां से आ रहा है। और नेक्स्ट हमारे गूगल क्रोम का जो प्लगइन है वो बेसिकली वर्डप्रेस यूजर्स के लिए है। आपको किसी के वर्डप्रेस की थीम अच्छी लग रही है या फिर आप जानना चाहते हैं कि उसने वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन से प्लगइन्स को लगाया है, तो आपके लिए ये वाली एक्सटेंशन देखना जरूरी है। इसका नाम है स्कैन WP। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, ये इस वेबसाइट की सारी डिटेल्स मुझे दिखा देगा। आप देखेंगे इस वेबसाइट के अंदर थीम नेम है BBCA। इस तरह से आपको अपने कॉम्पिटिटर की थीम का पता लग जाएगा, प्लस जब आप पेज को नीचे करेंगे उसका प्राइस पता लग जाएगा, स्टोर पता लग जाएगा और उसने कौन कौन से प्लगइन्स लगाया है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा गया स्कैंड प्लगइन्स। पेज को नीचे करते रहेंगे यहाँ पे आप देखेंगे इस वेबसाइट के अंदर कौन कौन से प्लगइन्स यूज करे गए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सामने वाला कौन सा प्लगइन यूज कर रहा है और उसकी वेबसाइट की थीम कौन सी है। इनसे भी एडवांस गूगल क्रोम की एक्सटेंशंस होती है, पर फ्रेंड्स वो पेड होती है, पर फ्री में आपको यही बेनिफिट मिलने वाला है और इसी से आप नॉलेज ले सकते हैं। और अब चलते हैं अपनी लास्ट गूगल क्रोम एक्सटेंशन की तरफ। वो SEO से रिलेटेड तो नहीं है, पर हाँ आपके लिए हेल्पफुल जरूर होने वाली है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जिन्हें बैन कर दिया जाता है या फिर वो यहाँ पे ओपन नहीं होती और उनके अंदर काफी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें लेनी होती है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप ब्राउजसेक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगी ऑफ की, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे यहाँ से आप कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी कंट्री को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स आपको नीदरलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये चार कंट्रीज मिलेगी जो फ्री में है, और उसके बाद आप देखेंगे जितनी भी नीचे कंट्रीज है वो प्रीमियम है। तो कोई वेबसाइट अगर आपकी यहाँ पे ओपन नहीं हो रही, किसी भी तरह की वेबसाइट है, आप यहाँ से उस कंट्री में जाके ऑन कर सकते हैं और आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करके वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे उसके बाद आप इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। अब ये सारी एक्सटेंशंस आपको कहाँ से मिलेगी मैं आपको वो बताता हूँ। गूगल क्रोम में जाना है और आपने लिखना है क्रोम वेब स्टोर। ये जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ओपन होने के बाद यहाँ लिखा है सर्च द स्टोर। ये जितनी भी एक्सटेंशन है आपको यहाँ पे सर्च करनी है। मैं एक बार आपको इनके नाम बता देता हूँ। फर्स्ट है ट्यूबबडी, सेकंड है ग्रामरली। आप देखेंगे नीचे इनके स्पेलिंग्स भी आ रहे हैं, कीवर्ड्स एवरीवेयर, उसके बाद है SEO क्वैक, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिखा रहा है सिमिलर वेब। नेक्स्ट है स्कैन WP और उसके बाद है ब्राउजसेक। मैंने यहाँ से अपनी ब्राउजसेक एक्सटेंशन को रिमूव कर दिया सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आपने इसके अंदर से एक्सटेंशंस को कैसे डाउनलोड करना है। आप देखेंगे जैसे मैंने ब्राउजसेक लिखा और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, इस एक्सटेंशन के आगे लिखा हुआ है एड टू क्रोम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपकी ये एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये शो करने लगी। इसी तरह से आपने सर्च करना है, ऐड करना है और यहाँ पे ऊपर वो शो करने लग जाएंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको जरूर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।